और खालिस्तान का समर्थन करता है। भारत के लिए दुनिया में पैदा हो गया एक नया पाकिस्तान। पीएम मोदी वो हस्त्र करेंगे जो आज तक केवल पाकिस्तान ही समझता है। खालिस्तानी आतंकी रच रहे थे नई साजिश, तब तक मिला एस जयशंकर का संदेश। जी हाँ, भारत के लिए कनाडा दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर है, जहाँ सुरक्षित तरीके से बैठकर खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। कनाडा को समझाने की कोशिश भारत की तरफ से लगातार हुई, लेकिन कनाडा ने बात नहीं मानी। अब पीएम मोदी जो बड़ा कदम उठाने वाले हैं, उससे खालिस्तान बनाने की मांग करने वाले आतंकी जमींदोज हो जाएंगे। इस मोदी नाम के तूफान के जद में कनाडा भी आएगा। कनाडा में ही बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की गई और अंजाम भी दिलवाया गया। सलमान खान से बदला लेने की धमकी दी गई, यहाँ तक कि शूटर भी भेजे गए। अब खालिस्तान बनाने के लिए आतंकी कनाडा में ही एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें यह तय होगा कि कैसे और कब किस तरह से खालिस्तान बनाया जाएगा। बहुत पहले से कनाडा खालिस्तानी आतंकियों को पालता है और खालिस्तान का समर्थन करता है। अब तो एकदम खुली छूट दे दी है, जो आतंकी भारत में बैन है उन्हें कनाडा में खुलेआम घूमने की आजादी है। भारत ने कई बार जस्टिन ट्रूडो को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और अब पीएम मोदी इसका बहुत खतरनाक इलाज करने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को संदेश भेज दिया है और अब कभी भी कनाडा पर शिकंजा कसा जा सकता है। आपको बता दें कि आजादी के बाद से ही सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन के द्वारा पंजाब से अलग खालिस्तान बनाने की मांग होती रही है। सिख फॉर जस्टिस एक आतंकी संगठन है जो खालिस्तान बनाने के लिए पूरी दुनिया में मुहिम चला रहा है और सिखों को आतंक के रास्ते पर ढकेलता है। भारत सरकार ने सिख फॉर जस्टिस संगठन को भारत में आतंकी संगठन घोषित कर बैन कर दिया है, लेकिन भारत में बैन होने के बाद भी कनाडा ने इसको पनाह दे रखी है और ये आतंकी वहीं से बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, अनेक प्रकार की साजिशें रचते हैं। मौजूदा हालात में भारत के लिए पाकिस्तान से ज्यादा खतरा कनाडा बन गया है। पिछले कुछ महीनों पहले हुई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के अलावा पंजाब में हुए अन्य आतंकी गतिविधियों के तार कनाडा से ही जुड़े मिले हैं। अगले महीने 6 नवंबर को कनाडा में खालिस्तान की मांग करने वाले सिख जनमत संग्रह कराने जा रहे हैं। ये जानकारी मिलते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये जानने के बाद एस जयशंकर ने अजीत डोभाल और पीएम मोदी से बात करने के बाद कनाडा को चेतावनी भरा पत्र लिख दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि कनाडा में सिखों का जो जनमत संग्रह होने वाला है वह भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। अगर कनाडा सरकार इसे नहीं रोकती है तो भारत इसे अपने तरीके से रोकने के लिए बाध्य होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि कनाडा एक स्वतंत्र देश है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने यहाँ कुछ भी कराएगा। दावा किया जाता है कि कनाडा में सिखों की आबादी सबसे ज्यादा है और इसके लिए वोट के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब पीएम मोदी और अजीत डोभाल खालिस्तानी आतंकियों को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके